अयोध्या में नया चौक पर लता मंगेशकर चौक का नामकरण किया गया। एक बड़ी सी वीणा और लता मंगेशकर की सुर माधुरी को हमेशा याद दिलाने के लिए इस चौक को प्रतीकात्मक तौर पर बनाया गया अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कुछ ही देर में अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। वो एयरपोर्ट जिसका नाम राम की नगरी में रखा गया महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, वो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, वो वाल्मीकि जो दलित समाज के स्तुत्य देवतुल्य जिनकी उपासना करते हैं आराधना करते हैं उनके नाम पर अयोध्या धाम के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। संदेश देने की कोशिश इस नव अयोध्या दिव्य अयोध्या भव्य अयोध्या के जरिए कि दरअसल क्या है भारत की परंपरा, क्या है भारत की संस्कृति, और ये दिखाने और जताने की कोशिश इस नव निर्माण में भी, इस नव सृजन के जरिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं वहां जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन अयोध्या धाम में होगा, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देख रहे हैं। लता मंगेशकर चौक अयोध्या धाम का एक विशाल वीणा इस चौक के बीचों बीच जिसमें माता सरस्वती की प्रतिमा भी उकेरी गई है, एक ऐसी तस्वीर जो बताएगी कि क्या है अयोध्या की खासियत, क्या है अयोध्या का इतिहास, क्या रहा है यहां की संस्कृति का गौरव, और इन तमाम दृश्यों को अपने में संजोए एक नई अयोध्या अब नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ कुछ इस तरह से सच कर पूरी तरह तैयार है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अगवानी करने, स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी उनके साथ है। जगह जगह रुककर उनसे उन जगहों के बारे में जानकारी भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। जिस तरह की एक रूपरेखा इस नव्य दिव्य और भव्य अयोध्या धाम के निर्माण की गई थी, क्या वैसा ही रूप लिया जा रहा है, नहीं, और उससे बेहतर और क्या रूप दिया जा सकता है, ऐसा एक बार फिर कैसे नए अयोध्या धाम को रचा जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए ये एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाए, और इस तीर्थ क्षेत्र को नए सिरे से रचने के लिए जिस तरह से रूपरेखा तैयार की गई थी उसे अब पूरी तरह से कार्य रूप में परिणित करने के बाद उसका कैसा नया रंग रूप है देखने के लिए देश दुनिया से लोग तैयार हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से उत्साहित देश और दुनिया के वो यात्री जो अयोध्या धाम में अपने पग रखने को आतुर हैं। पहली फ्लाइट आज लैंड होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है जो इस अयोध्या धाम के नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भी कई अहम जनहितकारी लोक हित की कई ऐसी परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और कुछ ही देर में इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम इसका नाम रखा गया है। जय श्री राम के जय घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हर चौक चौराहे पर बड़ी तादाद में लोग, दूसरी तस्वीर में एयरपोर्ट के वो उत्साही यात्री जो अयोध्या धाम उस विमान से जाएंगे जो पहला विमान होगा। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते भी ये यात्री कि वो कैसे उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, और ये तस्वीरें बताती है कि कैसे बदल चुकी है अयोध्या। जिसका नाम पहले फैजाबाद जिला होता था अब वो अयोध्या धाम है। रेलवे स्टेशन जिसका उद्घाटन नए जंक्शन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका एक नव निर्माण किया गया है, पुनर्विकास किया गया है, और ना सिर्फ रेलवे स्टेशन का बल्कि हर उन प्रतीक चिन्हों को नवनिर्मित किया गया है जो इसे दिव्य अयोध्या धाम बनाती है, नव्य अयोध्या धाम बनाती है, भव्य अयोध्या धाम बनाती है। जय श्री राम के नारे की गूंज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, लता मंगेशकर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका, और यहां से आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन खास तारीख अयोध्या के लिए होगी 22 जनवरी 2024 की, नए साल में नई अयोध्या और नव राम मंदिर का नव निर्माण जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और उसके लिए पूरी दुनिया, तमाम राम भक्त आतुर है। एयरपोर्ट पर भी उत्साही लोग, जय श्री राम का जय घोष करते अयोध्या जाने के लिए आतुर लोग, इनकी जुबां पर भी वही बात कि एक समय था जब प्रभु श्री राम
लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और आज वो पहला विमान जिस पर वो सवार होंगे दिल्ली से अयोध्या पहुंचेंगे लिए, और उसके लिए उत्साहित ये यात्री दिल्ली एयरपोर्ट में, उत्साह उनका सातवें आसमान पर। और वहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम में हैं, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते शुभारंभ करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। एक तस्वीर अयोध्या धाम की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में। और दूसरी तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां उत्साहित हैं तमाम वो यात्री जो अयोध्या राम जी का मंदिर एक्चुअली, सो वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है और हम बहुत खुश हैं और हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम अयोध्या टू दिल्ली एंड वी आर सो हैप्पी। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज ध्रुविका अग्रवाल। बच्चों में भी खासा उत्साह है और उन्हें भी ये जानकारी है कि वो पहले यात्री होंगे जो अयोध्या धाम पहुंचेंगे विमान के जरिए, और आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। इसके पहले एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ और वो दलित मीरा के घर भी पहुंचे, उनसे बातचीत की, बड़ी तादाद में लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा से उनकी मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने जाना कि जो सरकार की योजना है उससे क्या फायदा मिला। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पहली बार फ्लाइट जो है वो लैंड होने जा रही है, इंडिगो की ये फ्लाइट। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, सबसे पहले वो फ्लाइट जो आखिरकार लैंड होने जा रही है अयोध्या पे। आप ये समझिए कि लोगों का ये सपना था जरूर कि कभी अयोध्या में जो है उसका यातायात जो है उसे बढ़ाया जा सके, कभी फ्लाइट जो है वो लैंड हो। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कोशिशें की गई है उनकी वजह से ही आज जो है ये फ्लाइट लैंड होने जा रही है। ये फ्लाइट अगर आप पीछे तक देखेंगे, हालांकि बताया जा रहा है कि फ्लाइट पूरी तरीके से बुक है। देखिए महिलाएं छोटे छोटे बच्चे जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है देखिए जय श्री राम की गूंज जो है वो हर जगह साफ तौर पर सुनाई दे रही है। हालांकि ये फ्लाइट जो है वो 1 घंटे 20 मिनट की होगी। जैसे ये फ्लाइट लैंड होगी एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है एयरपोर्ट पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है तमाम सुविधाएं यात्रियों के लिए की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर के साथ अनुपम आचा। दिल्ली में एयरपोर्ट में तमाम वो यात्री उत्साहित हैं अयोध्या पहुंचने के लिए, लेकिन अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका स्वागत योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद कई ऐसी जनहितकारी योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही पलों में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम। प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, लेकिन किस किस तरह का नजारा और लोगों की प्रतिक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की वो फ्लाइट जो आखिरकार अयोध्या में लैंड होने वाली है, दिल्ली से अयोध्या की वो फ्लाइट, और किस तरीके से खचाखच जो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। मैं अपने कैमरामैन ईश्वर से कहूंगी एक बार 360 एंगल से तस्वीर दिखाए। देखिए इंडिगो की ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि इतिहास जो है वो रचने जा रही है। आप ये समझिए कि ये फ्लाइट जो है कभी किसी ने सोची नहीं होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आखिरकार ये फ्लाइट जो है वो होने वाली है। कुछ लोग जो है हमारे साथ मौजूद है, एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं, कहाँ से आई आप? गुजरात से। गुजरात से आई है, क्या नाम है आपका? गौरी मोदी। गौरी मोदी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है पहली फ्लाइट जो है वो जा रही है, उसमें आप ट्रैवल कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पता है कुछ प्रभु श्री राम के बारे में? हाँ पता है। क्या पता है? मैं अभी रामायण मैंने चालू किया है पढ़ना। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अयोध्या जाने वाले हूँ क्योंकि मैं। देखिए बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड है कुछ, इनकी शायद मम्मा, आप कहाँ से आए? आप भी गुजरात से? गुजरात से, मैं उनकी मम्मी हूँ। ओके, कैसा लग रहा है पहली फ्लाइट जो है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सतयुग में जा रहे हैं और राम राज्य में ही जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करना चाहूंगी। कुछ और लोग जो है जो पीछे लगातार मौजूद है, बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन इससे पहले कि देखिए ये यकीन मानिए एक इतिहास होने वाला है क्योंकि आपने एक युग याद कीजिए जिस वक्त पुष्पक विमान हुआ करता था और आज जो है इंडिगो की वो फ्लाइट है जो आखिरकार अयोध्या में लैंड करने जा रही है। लोगों का ये सपना था जो मोदी सरकार ने लोगों की आंखों में संजोया था और आज वो सपना साकार हो रहा है। कैसा लग रहा है सर ये सपना साकार होता हुआ? मैडम हमारे लिए कोई शब्द नहीं, हम हमारी भावना नहीं प्रकट सकते। आज हम ऐसा लग रहा है कि हम प्रभु राम से मिलने जा रहे हैं, मोदी साहब ने हमें आज प्रभु राम से मिलवा दिया है।
कभी कैसा लग रहा है? अयोध्या को बदलते हुए शायद आप लोगों ने देखा है। जी जी जी, अयोध्या पहले जो थी उसकी इस तुलना में आज अयोध्या त्रेता युग की हो गई है। और तो मैं तो कहना चाहूंगा आज पूरा विमान राममयी है और राम विमानमयी हो गए। फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले एक बार तो जय श्री राम होना चाहिए। जय जय श्री राम, जयकार वीर भजन्य, हर हर महादेव। आपने मुझे उस वक्त एक गाना भी सुनाया था सर, एक गाना जो है राम भजन। जी, राम लला का ध्यान करो, मंदिर का निर्माण करो, मंदिर का निर्माण करो, अवधपुरी अभियान करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये उत्साह है, ये उमंग है जो जय श्री राम के नारे के साथ जो है अब ये फ्लाइट जो है कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाली है। लेकिन लोग जो है वो देखिए इस इतिहास के गवाह बन रहे हैं। कुछ पीछे के और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली गाजियाबाद से हूँ और मेरा जन्मभूमि अयोध्या है। राम मंदिर से जन्मभूमि अयोध्या है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि भी अयोध्या है जिसको लेकर सालों साल जो है लड़ाई लड़ी गई। आपकी भी जन्मभूमि अयोध्या है, कैसा लग रहा है अपनी जन्मभूमि में जाते हुए? जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बाह सरजू पावन। भगवान राम कहते हैं कि जन्मभूमि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इसी इसके लिए उन्होंने स्वर्ण जनित लंका का जो शासन था विभीषण को चौपा और वहाँ उन्होंने बोला कि मुझे तो अयोध्या से ज्यादा प्रिय कोई जगह है ही नहीं है। ये उनकी विशेष कृपा है अयोध्या वासियों की और अयोध्यापति हैं वो, तो इसीलिए कहते हैं जय जय श्री राम जय जय सियाराम। देखिए ये जो उत्साह है लोगों में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ और पीछे की जो है तस्वीर जरूर दिखाऊंगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में जो है इतिहास रचने जा रहे हैं। सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मीडिया के लिए भी एक अपने आप में इतिहास है, कभी जो है ऐसे रिपोर्टिंग करते हुए आपने जो है किसी को नहीं देखा होगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, पीछे की तस्वीर जो है जिस तरीके से जय जय श्री राम के कुछ और लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। सर कहाँ से आए? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए हैं, अयोध्या जा रहे हैं, फ्लाइट में कभी सोचा था? नहीं सोचा था, आज इसलिए अब एक्साइटेड हैं और पहली बार जा रहे हैं क्योंकि हमें इसी पहली फ्लाइट का जब पता लगा तो हमने सबसे पहले फ्लाइट बुक की, इसीलिए बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। यस यस, ये मेरी बेटी और मेरी वाइफ है। तो देखिए आप ये समझिए कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को जो है बच्चों को खास तौर पर जो है ये बताया जा सके कि आखिर क्या जो है आधुनिकता के जमाने में जो है किस तरीके से इतिहास को जो है समझने की जरूरत है, पौराणिक कथाओं को समझने की जरूरत है, प्रभु श्री राम को समझने की जरूरत है और माता सीता को समझने की जरूरत है। देखिए मैं आपको एक बार और पीछे की तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए कई सारे जो लोग जो है वो दूर दूर से पहुंचे हैं। सर आप जो है मिट्टी लेकर आए थे कर्नाटक से, ये देखिए मिट्टी लेकर जो है कर्नाटक से पहुंचे हैं। सर जरा बताइए ये मिट्टी जो है आपका क्या प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे? जी ये मिट्टी सबसे पहले बैंगलोर से लेके आया हूँ, हनुमान गढ़ी जाएगी, हनुमान जी के दरबार पे जाएगी, फिर वहाँ से उनके गुरुदेव भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार पे जाएगी। मैं कर्नाटक से आया हूँ, दिल्ली से कर्नाटक से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या। सर आप लोग आगे चलते रहिए क्योंकि जरूरी है कि फ्लाइट टेक ऑफ हो तभी अयोध्या जो है पहुंचे। और बेंगलोर में रहता हूँ, हरिराम देवासी, ये हम दोनों साथ में शशिकांत जी और पवित्र मिट्टी लेकर जा रहे हैं। तो देखिए श्रीकांत जी जो है पवित्र मिट्टी लेकर जा रहे हैं और ये बात तो सच है, जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दूर दूर से जल दूर दूर से जो है मिट्टी जो है वो पहुंचेगी। सर थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे चलते रहिए क्योंकि जरूरी है कि देखिए संत समाज के लोग भी जो है यहाँ पर पहुंचे। आप कहाँ से आए? जैन है, पीठाधीश रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी हमारे साथ जैन फैमिलीज है और हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि भगवान राम के साथ साथ हमारे जैन 5 तीर्थंकरों ने वहाँ जन्म लिया है, इसलिए हमारे काफी जैन लोग इसमें जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज ये पहली फ्लाइट। मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आज बहुत धन्यवाद है उनको, मोदी जी को, योगी जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और योगी सरकार को जो है हर कोई आज धन्यवाद देना जा रहा है क्योंकि एक सपना जो हर एक अयोध्यावासी ने हिंदुस्तान ने देखा था आज उन्हीं की वजह से साकार होने जा रहा है। लगातार बड़ी कवरेज जो है वो न्यूज 18 इंडिया पर जा रही है। छोटा सा ब्रेक, फॉरन लौट रहे, कहीं मत जाइए।